शेला मेरी बात तो सुनो शेला शेला देखा हुआ तुमने शेला का बिहेवियर। मैंने शादी से पहले ही तुम्हें बता दिया था कि शेला तुम्हें यहाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बुरा मत मानो माँ, मैंने तुम्हारे रहने के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। कोई दिन वहां रहो जब तक घर की सर्टिफिकेट हो जाएगी और मैं शेला को भी समझा दूंगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना माँ? अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं अजीज। वालेकुम अस्सलाम, मैं जमीला। क्या है ना, मैं यहाँ एक आध महीने के लिए रहने आई हूँ। मेरा बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है तो मेरे ध्यान रखने के लिए घर पे कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। मैं कॉल करके आती हूँ कि वो घर पहुँचा दे। हाँ हेलो बेटा। हाँ हेलो माँ, मैं जरा मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करूँगा। बेटा सुन तो सही, तुमने खाना खाया कि नहीं? हेलो हेलो। हाँ तो क्या कहा आपके होनहार बेटे ने? कहता है थोड़ी देर में कॉल करता है। देखिए जमीला जी, सारे से हूँ यहाँ, सब कुछ देखना है मेरी नाकों ने। और जितनी जल्दी आप इस जगह को तस्लीम करेंगी उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आप कैसी बातें करते हैं आप? मेरा बेटा वैसा नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। और मैं कैसे रह सकती हूँ अपने बेटे से दूर? वैसे ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है, खामोशी है, सुकून है, टाइम पर खाना मिल जाता है, कुछ अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और क्या चाहिए? मैं तो बोलता हूँ अल्लाह अल्लाह कीजिए। देखिए मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ, आप ना बेकार की बातें करते हैं, जलते हैं आप मुझसे, क्योंकि मेरा बेटा आएगा मुझे लेने और आप कोई रिश्ता करते हैं। अरे रहने दीजिए जमीला जी, वो कॉल नहीं उठाएगा। ड्राइविंग कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। बेटा तू भूल जाता है। माँ कहा ना थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। देखिए जमीला जी, आपको मेरी बातें बुरी तो लगती है पर बात मानिए, रोकने का कोई फायदा नहीं, जो हो रहा है उसे होने दीजिए, यही हमारा नसीब है। नसीब तो आपका बुरा होगा, देख लीजिएगा मेरा बेटा आएगा मुझे लेने। मुझे तो बस टेंशन इस बात की है वो कैसे रहता होगा मेरे बिना। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका बेटा आपको लेने आ जाए, पर मैं जानता हूँ जो एक दफा यहाँ आ गया वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकता। आप ना बेकार की बातें करते हैं, मैं अभी अपने बेटे को कॉल करती हूँ और कहती हूँ मुझे यहाँ से लेकर के जाए, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। हेलो बेटा। हाँ हेलो माँ। बेटा मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे आज ही यहाँ से लेकर के जाओ। बस माँ घर की थोड़ी सी सेटलमेंट ले गई, कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा। बेटा क्या हुआ जमीला जी? जमीला जी क्या हुआ? लीजिए जमीला जी, क्या हुआ जमीला जी? जमीला जी क्या हुआ? जमीला जी, जमीला जी, मैं अपनी माँ को लेने आऊँ, कहाँ है मेरी माँ? माँ क्या हुआ तुम्हें, ये क्या हुआ इन्हें, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है? माँ मुझसे बात करो, माँ माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ मेरा बेटा 3 साल का हो गया है, मैं उसे घुमाने के लिए
बाहर लेकर गई। हम बैठे हुए थे कि अचानक एक गुलेरी आकर हमारे सामने खेलने लगी। मेरे बेटे ने मुझसे एक बार पूछा वो क्या है, और मैंने एक बार जवाब दिया वो गुलेरी है माँ। और मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो अपने बेटे से। पता नहीं क्यों इतनी उम्मीदें बाढ़ रखी थी, उम्मीदों से दिल सब कुछ मेरी पसंद है तुम्हें। जिस तरह तुमने अपनी माँ को इंतजार करवाया, बुलाया, तड़पाया, देखना एक दिन तुम भी अपनी औलाद का इसी तरह इंतजार करोगे, देखना। क्या बात है लड़के,